everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching Aaj Fever channel. Aaj video 2-4 din ke baad upload ho rahi hai. Uske piche reason hai ki meri thodi si tabiyat down chal rahi hai. Aapko dikh raha hoga mere neck pe ye patti type. Ye mere ko actually problem chal rahi hai, is wajah se shoot nahi ho paya. Anyways, back to the point, this video is all about 6 May 2023 IELTS exam prediction video. So, अगर आपका exam है मई मंथ में तो आज की video आपके लिए है. आपको video को end तक देखना है और साथ ही साथ अगर आप channel पर first time visit कर रहे हो then please channel को subscribe कर लेना, साथ ही bell icon को press कर लेना ताकि आपसे कोई भी notification miss ना हो. चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग वीडियो से. लिसनिंग की अगर बात की जाए तो लिसनिंग का लेवल आपको इजी टू मॉडरेट के बीच में देखने को मिलेगा. बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा. बिल्कुल सेम पैटर्न होगा जैसा आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिला था. एंड इनफैक्ट क्वेश्चन टाइप भी एज इट इज सेम आपको देखने को मिलेंगे. सेक्शन वन की अगर बात की जाए तो सेक्शन वन में हाई चांसेस कि आपके पास वन वर्ड ओनली आने के चांस है और ब्लैंक्स होंगे. सेकेंड सेक्शन की अगर बात की जाए तो मैच द इंफॉर्मेशन अलोंग विद दैट मैप आने के चांसेस हैं, बट मैप आने के चांसेस 20-30% ही हैं और इसके साथ साथ आपके पास एमसीक्यूस आने के चांसेस हैं. सेक्शन थ्री की अगर हम बात करें तो सेक्शन थ्री में आपके पास डेफिनेटली एमसीक्यू आने के चांसेस है, चाहे वो शॉर्ट एमसीक्यू हो चाहे वो लॉन्ग एमसीक्यू हो. लॉन्ग एमसीक्यू से मेरा मतलब है सिलेक्शन ऑफ मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन फोर की तो सेक्शन फोर में आपके पास वन वर्ड एंड और नंबर आने के चांसेस है और ये लेक्चर होगा और थोड़ा सा फ्लुएंट होगा. आप सेवन बैंक इजिली ले सकते हो. जस्ट 2-3 चीज जो है आपको वो आपके दिमाग में रखनी है. पहली चीज जो आपको आपके दिमाग में रखनी है दैट इज कि लिसनिंग का लेवल अप नहीं जाने वाला. लिसनिंग बहुत फ्लुएंट रहेगी, बहुत एवरेज रहेगी जो आप अप्रैल और मार्च में एक्सपीरियंस कर चुके हैं. उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है दैट इज कि आपको कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत फोकस्ड रहकर वो लिसनिंग सुननी है. वो राइट कीवर्ड आपको पिक करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका आंसर फाइंड आउट करने में. और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो सेवन बैंड अगर आपका टारगेट है तो आप इजिली अचीव कर लोगे. अगर आपको ये डाउट है कि लेवल कि मैं इस डेट को ना फिल करके एग्जाम अगर किसी और डेट को फिल करूं तो शायद मेरी लिसनिंग का स्कोर इम्प्रूव हो जाए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो. चलिए बात करते हैं अब रीडिंग की. सो रीडिंग के लेवल की अगर बात की जाए तो रीडिंग का लेवल आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा. मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट. मॉडरेट उनके लिए जिनको दिक्कत है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस एंड येस नो नॉट गिवन से, उनके लिए वो मॉडरेट होगा. जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन टाइप में कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए वो इजी टू मॉडरेट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा, बट यस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी होगा. यानी कि आप मान के चलो कि लेवल आपका ओवरऑल एग्जाम का इजी टू मॉडरेट रहने वाला है. पैसेज वाइज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना. उसके साथ साथ एक काम आपको एक और करना है जिसको करने में सिर्फ आपका एक मिनट और हार्डली हाफ मिनट लगेगा. दैट इज कि आपको अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं, या किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए. दैट्स इट, बहुत सिंपल है. जस्ट कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना फीडबैक, अपने रिव्यू, आपकी सजेशंस, जो भी है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड देन वो हम तक पहुंच जाएगा, हम उस पर वर्क करेंगे. अब बात करते हैं पैसेज टू पैसेज. पैसेज वन की अगर बात की जाए तो पैसेज वन का पैटर्न स्टैंडर्ड ही चला आ रहा है, वही चलेगा. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन. कुछ भी आ सकता है आपके पास, यानी कि ब्लैंक्स होंगे और वो टू वर्ड्स ओनली आने के चांसेस हैं, टू वर्ड्स और थ्री वर्ड्स. ओके,
मूव टू द पैसेज टू. पैसेज टू की अगर बात की जाए तो पैसेज टू में आपके पास आने के चांसेस हैं मैच द इंफॉर्मेशन, मैच द स्टेटमेंट एंड एमसीक्यूज एंड लिस्ट ऑफ हायरिंग. इस तरह के क्वेश्चन टाइप आएंगे. मिक्स मैच हो सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन उसके, दो तीन क्वेश्चन उसके. बट यस, फोकस्ड रहना, क्योंकि सेक्शन टू एज कंपेयर टू पैसेज टू एज कंपेयर टू पैसेज वन थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है. और क्वेश्चन टाइप बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको कैम्ब्रिज बुक नंबर 16, कैम्ब्रिज बुक नंबर 17 और आयल्स फेवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडिंग में से देखने को मिलते हैं. और मैं आयल्स फेवर का जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि आयल्स फेवर की वेबसाइट की रीडिंग्स ऑलरेडी जो है एक्चुअल एग्जाम्स में आती हैं. सो दैट्स वाई कि मैं आपको वो मेंशन करती हूँ. अब बात करते हैं हम पैसेज थ्री की. सो पैसेज थ्री में यस नो नॉट गिवन, उसके साथ साथ ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीशन, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, नॉट कंप्लीशन किसी भी टाइप में आ सकते हैं. उसके साथ साथ एक या दो एमसीक्यू भी आ सकता है. तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट मटेरियल की तरफ, जो है राइटिंग. और राइटिंग का लेवल जो है वो आपके पास इजी रहने वाला है. सो सेफ साइड की अगर आप मान के चलो कि लेवल क्या रहने वाला है, राइटिंग का लेवल आपके पास इजी रहने वाला है. टास्क वन की अगर बात की जाए तो बार ग्राफ हमेशा की तरह आने के चांसेस है ही, क्योंकि जितने भी हम एग्जाम देखे 70-80% चांस रहते हैं कि बार ग्राफ आएगा. बार ग्राफ के साथ कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, और इसके अलावा आपके पास बार ग्राफ, पाई और उसके साथ साथ आपको जो है डायग्राम करने हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप और इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस चार्ट. ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम टास्क टू की तरफ. टास्क टू की अगर बात की जाए तो अग्री डिसअग्री वाला टॉपिक एंड डिस्कस बोथ व्यू आने के चांसेस हैं. अलोंग विद दैट इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. आई होप कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए. जो भी आपके फीडबैक होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन कर दो यार, आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.